हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि SOL ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको SOL की मेन वेबसाइट पे आ जाना है, फिर आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन से कोर्सेज के एडमिट कार्ड आए हैं। तो एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले आपको इस पे आने के बाद ये लिंक दिख जाएगा, UG एग्जामिनेशन हॉल टिकट डाउनलोड, BA प्रोग्राम और BCOM ऑनर्स का सेमेस्टर 1st, 3rd और 5th के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। BA प्रोग्राम, BCOM ऑनर्स के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के सिर्फ और सिर्फ। बाकी कोर्सेज के एडमिट कार्ड फेस मैनर में धीरे धीरे शाम तक या कल तक रिलीज़ हो जाएंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना SOL का रोल नंबर डालना है। अब इस साइट पे मेनली बच्चे गलती करते हैं भाई एग्ज़ाम डेट ऑफ बर्थ में, तो ध्यान से समझ लो। पहले आपको डालना है SOL रोल नंबर, फिर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको डालना है स्टूडेंट का नाम, और अपना एडमिट कार्ड शो बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। जिसका नहीं आता वो वेट करना। अब मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, एक मिनट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, वो चीज़ ये है कि जो एडमिट कार्ड डालोगे SOL रोल नंबर इस तरह से लिखा होता है, आपकी फ़ीस रिसिप्ट में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको सेम इस पैटर्न में ही डालना है। पहले जैसे कि आपका डेट है, जैसे जो भी आपकी डेट है, जैसे कि आपका 5 तारीख है, तो 05 करके डालोगे आप। फिर आपको एक स्लैश देना है, फिर आपको मंथ डालना है, और मंथ डालने के लिए आपको याद रखना है कि पहला वर्ड मंथ का कैपिटल आएगा, जैसे मई जून है तो M या J कैपिटल आएगा। और तीन वर्ड डालने हैं, मतलब तीन लेटर डालेंगे, पहला लेटर कैपिटल, बाकी दो स्मॉल डालेंगे, फिर स्लैश आएगा, और उसके बाद फिर डेट जो ईयर है वो आएगा। तो भाई ये फॉर्मेट जो है इसको देख लो, बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट गलत करेंगे। तो ऊपर लिखा रहेगा डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड आ रहा है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ में बार बार गलती कर रहे हो। पहले मंथ का लेटर कैपिटल आएगा, सितंबर है तो S कैपिटल आएगा, बाकी दो वर्ड स्मॉल आएंगे, फिर स्लैश आएगा, जो स्लैश लगा है वही स्लैश आएगा, और नीचे नाम डालना है। नाम डालने में बच्चे गलती करते हैं, नाम के बीच में एज इट इज़, जैसे कैपिटल में नाम लिखा है एडमिट कार्ड या फीस रिसिप्ट में, तो वैसे ही डालना है। अगर बीच में गैप है, जैसे कि पूनम गुप्ता, संजय यादव, तो बीच में अगर स्लैश गैप है तो वो गैप देना है आपको। एक गैप से अगर नहीं आता तो दो गैप ट्राई करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको डाल के आपको फिल करके एडमिट कार्ड दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड जो है 2022-23 का नहीं है, ये 23-24 का अभी जो आया है मैंने वो डाउनलोड किया है। एक BCOM ऑनर्स का स्टूडेंट है तो मैंने उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। अब नीचे आप देख सकते हो ये उसके सब्जेक्ट हैं कि किस किस सब्जेक्ट के उसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम सब्जेक्ट है, ये यूनिक पेपर कोड है सेमेस्टर, और नीचे आप देख सकते हो उसके साइड में डेट दे रखी है कि कौन सी डेट पर कौन सा एग्ज़ाम दिया गया है, कौन सा एग्ज़ाम होगा, और बाकी ये साइन है, और ये आप देख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो बाकी ये इंट्रोडक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, तो ये आप पढ़ सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं ले जाना और क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये सारा आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आधार कार्ड ले जाना, फिज़िकल कॉपी लेके जानी है, और यहाँ से अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये PDF की तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब PDF आ गई, तीन पेज हैं, तो इनमें से कोई मेन पेज तो वैसे फर्स्ट वाला होता है, बाकी आप दो पेज ले जा सकते हो, तो वो भी आप ले जाना, ठीक है। बस ये प्रिंट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। BA प्रोग्राम के और BCOM ऑनर्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो जाके डाउनलोड कर लो। फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर देना कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, कैसे डाउनलोड करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और बाकी कोर्सेज के एडमिट कार्ड आते ही बता दूंगा, ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे व्हाट्सअप के, टेलीग्राम के, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लिंक से नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग।